हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की नॉर्मल क्लासेस जो होती थी वो नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमने ये वीडियो क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आप इसकी मदद से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें घर बैठे। इन वीडियोस को देखकर उनकी हेल्प से आप अपने सम्स वगैरह सॉल्व कर सकें, निकाल सकें। तो आज की जो क्लासेस है वो क्लास 9th की रहेगी, चैप्टर नंबर 1st है और जो कि नंबर सिस्टम रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसके बेसिक चीजों के बारे में जानो जो कि नंबर सिस्टम में यूज होने वाले, ये चीज है क्या। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, और वो नंबर्स क्या होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है बेटा, सबसे पहले नेचुरल नंबर को आप डिनोट किससे करते हो ये समझिए। नेचुरल नंबर को आप किससे डिनोट करोगे, एन से डिनोट करोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एन यूज कर रखा है मैंने, नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करोगे। होता क्या है, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन। वो सारे के सारे नंबर जो वन से स्टार्ट होंगे उसे आप क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। और इससे पहले एक चीज और, आप लोगों को पता ही है काउंटिंग, नेचुरल नंबर को आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी चीजें क्या है, ये काउंटिंग ही तो है। और इस काउंटिंग को ही आप क्या कहोगे, नेचुरल नंबर कहोगे। ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और मैंने लिख रखा है, और ये जो साइन यूज कर रखा है यहाँ पर, ये कंफ्यूज मत होना बेटा कि ये क्या कर दिया है सर ने, क्या लिख दिया है। ये इन्फिनेटिव का साइन होता है। इन्फिनेटिव मीन्स ऐसे नंबर जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए साइन यूज कर देते हैं। मीन्स स्टार्ट तो हम वन से कर रहे हैं लेकिन इसका एंड कहाँ पर है ये हमें नहीं पता। नेचुरल नंबर का एंड नहीं होता बेटा, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो हो जाती है वन से, लेकिन इसका अगर आप एंडिंग बताओ तो एंडिंग इसको नहीं बता सकते कि इसका एंड कहां पर है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो बताओ। चलो अगर क्लियर हो गई है तो आगे हम होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर क्या है, होल नंबर को सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, डब्ल्यू से। किसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। होता क्या है होल नंबर, होल नंबर आर दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये देखिए जो जीरो से स्टार्ट होंगे, जैसे नेचुरल नंबर हम वन से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे ही होल नंबर को आप जीरो से स्टार्ट करोगे बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये जो साइन है फिर से यहां पर यूज हो गया, अभी मैंने बताया इन्फिनेटिव का साइन होता है। होल नंबर में भी अनकाउंटेबल काउंटिंग होती है, और सॉरी होल नंबर में अनकाउंटेबल होती है और नेचुरल नंबर में भी अनकाउंटेबल काउंटिंग होती है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर क्लियर होगी तो देखो इससे नोट्स क्या निकल के आता है, इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चल गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मींस सभी के सभी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं। देखिए कैसे, अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये सारे के सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये देखिए आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए एक नोट हमारे सामने निकल कर क्या आया है, एक कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि होल नंबर में जीरो तो आ रहा है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, नेचुरल नंबर और होल नंबर इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बताओ आगे बढ़े। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद क्या रहेगा, देखिए बेटा थर्ड चीज है आपका इंटीजर। इंटीजर
इंटीजर क्या होता है? सबसे पहले इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, ये याद रखना। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को आप किससे डिनोट करोगे? जेड से। और ये चीजें क्या है, अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में आपके सारे के सारे काउंटेंस आ जाएंगे, जो कि नेगेटिव वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले भी हैं। वो कैसे, ये देखिए, ये आपका जीरो है, जीरो से लेफ्ट वाले नंबर आप लिखोगे कैसे इन नंबर को, ये देख लीजिए, ये जीरो से लेफ्ट में जो नंबर है वो सारे आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, जीरो से राइट में जो नंबर है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे नंबर को आप क्या कहोगे? इंटीजर्स कहोगे। अब इसमें दो तरह के इंटीजर्स आ जाएंगे, जीरो से लेफ्ट वाले हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर, क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो से लेफ्ट वाले क्या हो गए आपके? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो से राइट वालों को आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। इतनी सी चीज क्लियर हुई। अब आप कहोगे ये जीरो क्या हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा? तो मैं ये कहूंगा जीरो को आप ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट करोगे और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करोगे। ये ओनली आपका एक इंटीजर्स होगा, ये इंटीजर्स का पार्ट होगा, बट नेगेटिव में भी नहीं आएगा और ना ही पॉजिटिव में भी आएगा, ठीक है बेटा। ये ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, ये सिर्फ इंटीजर का एक पार्ट है, क्लियर। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इससे क्या नोट निकल कर आया आपके सामने, क्या कंक्लूजन पता चला है? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? सोच के देखो, अभी मैंने लिखवाया था नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव वाले भी हैं और पॉजिटिव तो है ही है, तो क्या इस इंटीजर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं? यस बेटा आ रहा है। देखिए ये क्या है, वन टू थ्री और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब दूसरी चीज, क्या होल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो देख लो, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, इसमें भी जीरो वाले नंबर है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां से भी क्या पता चलता है, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है बेटा, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्लियर हो गया। इन सब चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपके चैप्टर्स में ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस होंगे तो उस चीज को आप आसानी से समझ सकोगे और कर सकोगे। तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यस, इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर आ जाएंगे। अब क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। सोच के देखो, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर आ रहे हैं बट नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकता है? सोच के देखो, होल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे तो इंटीजर्स होल नंबर भी नहीं हो सकता। तो इंटीजर्स ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है और ना ही होल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे आपके चैप्टर में ये तीन चीजें तो रहेंगे ही रहेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। और आज के लिए इतना ही बेटा, अगली वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और घरों में पढ़े रहिए। थैंक यू सो मच।